हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सरकार का पूरा जोर है। और जो अपडेट आज सामने आया है और उससे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट हाँ रियल में चाहती है। इससे पहले थोड़ा कन्फ्यूजन सा लग रहा था, लेकिन आज की अपडेट से ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट रियल में चाहती है कि जल्द से जल्द सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़े, ये सरकार चाहती है। ये आज के इस फैसले से बहुत मतलब खुशी हुई मुझे तो, खास करके, और उन कंपनीज को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी जो इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या अपडेट है वो, इसके बारे में छोटा सा जानते हैं छोटे से वीडियो में। सबसे पहली बात देखिए, जीएसटी के जो रेट्स थे वो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी आज की डेट में 12% थे। मैं कहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, किसी चीज़ को मोटिवेट कर रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो, लोगों को चाहते हो कि लोग इसमें एनरोल हो, और फिर उसके ऊपर आप इतना हैवी टैक्स लगाते हो, तो जो ग्रोथ एक्चुअल में होनी चाहिए वो होगी नहीं, जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो होगा नहीं। तो आपको यहाँ पे स्लैशिंग करनी थी, और मुझे यही लगता था कि सरकार दोबारा, जब ये गवर्नमेंट आएगी, मोदी गवर्नमेंट दोबारा आएगी, तो ये स्टेप, अगर इनका एम्बिशन है और इनका फ्यूचर देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो ये स्टेप जरूर लेंगे। और इन्होंने आज की डेट में ये स्टेप लिया है, इस जीएसटी के टैक्स रेट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे घटा के 12% से 5% पे लिया है। मतलब बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन स्टेप ये लिया गया है। और दूसरी चीज़, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर आप मोटिवेट कर रहे हो या प्रमोट कर रहे हो, तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो होती हैं उन पे भी आपको टैक्स रेट घटाने पड़ेंगे। और ये और भी बढ़िया काम किया इन्होंने कि जो 18% के स्लैब में आते थे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर थे, उनको भी घटा के 5% पे लिया है। मतलब ये मान के चलिए कि 5% का जो इनका मिनिमम स्लैब है, सब कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड चीज़ें उसी पे ही आनी चाहिए। अभी फ़िलहाल ये दो इन्फॉर्मेशन आई है, मैं कहूँगा हाँ भाई, अब सरकार कुछ सीरियस दिख रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, कुछ सीरियसनेस दिख रही है। ये सीरियसनेस ये देखिए, अगस्त 1 से ही स्टार्ट हो जाएगा ये, मतलब अगस्त 1, आज 27 जुलाई है, 4 दिन बचे हैं, अगस्त 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दिस इज द रियल स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टू मोटिवेट टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन रोड। चलिए बहुत बढ़िया बात, ये दो चीज़ें आपने देखी यहाँ पे, तो मुझे तो खास खुशी हुई इन चीज़ों से। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे कि आजकल की डेट में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रेजेंस देखो तो नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर है। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अपने बजट में, जैसा कि आपने कहा था, कि जो परचेज होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे उन पे भी टैक्स रिलीफ दिया है। और आज का ये अनाउंसमेंट जीएसटी रेट को कम करना ईवीज पे, ये और भी बढ़िया, मैं कहूँगा बेहतरीन स्टेप ही है। अगर आप देखें इस स्टेप से क्या होने वाला है, इस स्टेप से वो कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काम कर रही हैं, उनको बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव मैसेज जाने वाला है कि यू कंटिन्यू टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड गवर्नमेंट इज रेडी टू सपोर्ट यू। तो आप देखिए, सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कंपनी बहुत फास्ट पेस से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रही है, बहुत फास्ट पेस से मैं कहूँगा। जैसे कि आपने देखा हो, महिंद्रा की स्टार्टिंग में रेवा आई थी, और भी कई गाड़ियाँ इसकी आने वाली हैं आने वाले टाइम पे, तो बेहतरीन तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा। और अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा डाउन पड़ा है, निचले लेवल पे, मतलब गिर के रेंग रहा है, इवन अशोक लेलैंड की काफ़ी बसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली आई है, और यहाँ पे ये स्टार्ट कर रहा है, इसने भी ऑर्डर्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं कहूँगा महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करो, चाहे अशोक लेलैंड की बात करो, चाहे बात करो आप टाटा मोटर्स की, सारे स्टॉक्स धराशायी होके लेटे हुए नीचे ज़मीन पे रेंग रहे हैं। लेकिन ये स्टेप काफ़ी पॉजिटिव होगा इन सारे स्टॉक्स के लिए। और या फिर आप मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की बात करो, प्रॉफिट के मामले में मतलब कि कमाई इनकी कम होती जा रही है और कुछ ऑप्शंस नहीं है, लेकिन फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोच के ये अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। मारुति की लेटेस्ट अभी न्यूज आई थी, जो वैगन आर को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। इन स्टॉक्स, ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेकर हैं, इनके अलावा मैन्युफैक्चर ये करते हैं, इनके अलावा और भी कंपनी जो जुड़ी हुई हैं, जो पार्ट्स बनाती हैं, जो लिथियम आयन बैटरी पे काम करती हैं, जो इस तरीके से इनके चार्जर्स बनाती है, तो उन सब के लिए भी ये गुड न्यूज़ है। तो आप देखिए कौन से स्टॉक है, कमेंट के थ्रू बताइए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कौन सी कंपनी काम कर रही हैं, आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें पता हैं। तो आप अपने अपने स्टॉक्स, कंपनीज जो इस सेगमेंट में काम कर रही है, कमेंट के थ्रू ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम भी देखें कितनी बड़ी वो लिस्ट होती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रहे हैं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और आपको अगर ये गवर्नमेंट का स्टेप जीएसटी रेट कम करने का अच्छा लगा है तो आप जरूर बताएं कमेंट के थ्रू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।